चंदा मामा निकल गया। क्या बोलती है कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती है तो आप उसी चांद को पत्नी के पति के रूप में देखती हैं, तो कैसा दोहरा मापदंड। एक तरफ तो आप उस चांद को अपना भाई बना रही हैं और दूसरी तरफ जब करवा चौथ जैसी परंपराएं आती हैं आप उसको पति के रूप में देखती हैं, कैसा दोहरा मापदंड। क्या यही हमारे महान पुरुषों ने हमें सिखाया? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने बलिदान किया? क्या इसी दिन के लिए उनका संघर्ष रहा? क्या इसी दिन के लिए उनका समर्पण रहा? मैं आपसे बता दूं, जितने भी त्योहार आते हैं यहाँ पर, आप सभी समझ रहे होंगे मैं कौन से त्योहारों की बात कर रही हूँ। आप सभी उन त्योहारों को बनाना बंद करें, क्योंकि साथियों आप कम से कम 50-60 हजार रुपए एक साल में उन त्योहारों पर बर्बाद करते हो। और वही पैसा अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाएं तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपके बच्चे इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन जरूरत है इन परंपराओं को तोड़ने की, इन परंपराओं को तोड़ने की। और एक बार तोड़ कर देखो इस करवा चौथ की परंपरा को, देखती हूँ आपके पति मरते हैं नहीं मरते। मेरी शादी हो गई है, 12 साल हो गए हैं, मेरे पति भी यहाँ पर मौजूद है, आज तक बुखार नहीं होता। सच कह रही हूँ, छोटी मोटी बीमारियां वो अलग मैटर है, लेकिन जो बात आती है कि मरने की पति की लंबी उम्र हो की, तो साथियों हमें जरूरत है आज जागने की, क्योंकि आज हम उस मुकाम पर हैं जो हमारे महान पुरुषों ने बलिदान दिया उसके खातिर आज हम यहाँ पर आज पहुंचे हैं। अच्छी अच्छी नौकरियों पर काबिज है, अच्छी अच्छी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं। मंच पर आसीन हमारे दो साथी हैं जो कि जेएनयू से हैं। ये अधिकार किसने दिलाया इनको, किसने दिलाया? अगर बाबा साहब इस समाज के लिए इतना त्याग समर्पण नहीं करते, साथियों मैं गारंटी से कहती हूँ बाबा साहब ने तो 4-4 बच्चे मिशन मूवमेंट पे कुर्बान करे हैं। जिस दिन आप एक बच्चा भी कुर्बान कर दोगे ना, मैं मान जाऊंगी कि हाँ आप बाबा साहब का सम्मान करते हैं। लेकिन हम दोगलापन दिखाते हैं, हम सिर्फ दोगलापन दिखाते हैं, दोगली बातें करते हैं। हम बात करते हैं मिशन मूवमेंट की, लेकिन जैसे ही घर में घुसते हैं तो वहां पर घंटियां बजती हैं। आखिर क्यों? अगर हम सभी आज यहाँ पर बैठे हैं, इतने स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख पा रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारे महान पुरुषों के बलिदान के कारण हो पाया है। तो हमारा सच्चा सम्मान तभी हो पाएगा और सच्ची श्रद्धांजलि हमारे महान पुरुषों को तभी हो पाएगी जब हम उनके बताए हुए बातों को फॉलो करेंगे और उनको फॉलो कर अपने व्यवहार में उतारेंगे और व्यवहार में उतार कर अपने जीवन के साथ साथ अपने समाज के से जुड़े हुए सभी साथियों का, इस राष्ट्र का, इस देश का